क्यों उसके इश्क में अंधे हो रहे हो? तो मुझे उसकी शक्ल में वो मासूमियत और सादगी नजर आती ही नहीं है। पहले मुझे उसकी आंखों में कशिश नजर आती थी, लेकिन अब सिर्फ तपिश नजर आती है। पहले वो सिर्फ देखा करती थी, अब वो सिर्फ सोचा करती है। मैं तुम्हें यहां कोई वजाहत देने नहीं आई, इनफैक्ट एक गुड न्यूज देने आई हूं। मैं अल्तमश को वारिस देने वाली हूं, और उसके बाद तो ऑफ कोर्स अल्तमश सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होके रह जाएगा। चैलेंज देने आई हो? चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर ऐसे करते हैं कि तुम अल्तमश को अपना बनाने की कोशिश करो, अगर वो तुम्हारा हो जाता है तो ठीक है, और अगर वो तुम्हारा ना बन सका तो उसे मैं अपना बना लूंगी। ये खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रुतबा। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे महंगा पड़े। आई एम एक्साइटेड। तुम्हें पता है क्या, जब किसी खिलाड़ी के पास कोई वे आउट नहीं होता ना भागने का, तो वो ये खेल जीत के ही रहता है। तो इसका ये खेल तुमने शुरू किया है, पर इसे जीत के मैं दिखाऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो इर्द गिर्द की हर चीज को आग लगा दूंगी मैं। इसके सिवा तुमने किया भी क्या है? और सारी जिंदगी यही तो करती आई हूं। वैसे बहुत गर्मी हो रही है, चाहते हुए दरवाजा बंद कर देना। से जाओ रशीदा, मैं गांव देखो, जब तक खुशी से वहां रह सको रहने ना। मैं इनकी वाबस्तगी और ताल्लुक को बहुत इज्जत देता हूं। जब यहां के रास्ते आवाज दें तो चली आना, मैं तो मुंतजर ही रहूंगा। कर्जदार हूं तुम्हारी मोहब्बतों का, एहसान मंद हो तुम्हारी खिदमतों का, मेहरबानियों का। कर्जदार दिल आहट पे कान धर के बैठा रहता है, ये याद रख लो। बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे पास आने से पहले मैंने चाय पी ली थी। क्या बात है खाला, आप उदास नजर आ रही हैं। खुर्शीद बहुत याद आ रहा है। कितना रोया है मेरा खुर्शीद, कितना तड़पा है, पता नहीं उसने खुद को कैसे काबू किया होगा, कैसे संभाला होगा, इतने बड़े सानिया से कैसे निकला होगा।
इतने दिन हो गए खुर्शीद ने फोन तक नहीं किया, बहुत रोया मेरा बच्चा। कैसे संभाल रहा होगा खुद को? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। कभी आंखें भर आती हैं तो कभी बैठे बैठे खुद ही होंठों पे मुस्कुराहट चमक उठती है। खाला, आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाएं। वहां खुश भी रहती हैं और मुतमईन भी। मेरा क्या है, मेरा तो आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है और आधा दिन अपनी ही सोचों में गुम। आप इतने बड़े घर में अकेले रहकर क्या करेंगे? इतने बड़े घर में तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? खुर्शीद आ जाए तो अपनी अमानत संभाले, मैं स्कूल से चली जाऊंगी। खाला, आप मेरी तन्हाई की फिक्र ना करें, आप अपने मदरसे पे ध्यान दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वहां के लोगों को जहनी तौर पे स्कूल के लिए आमादा करें। मैं बहुत जल्द आऊंगी, बाबा के नाम का संग बुनियाद रखने वाला। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा, तुम जल्द आना। तुम्हें यकीन है कि उन दोनों के बीच में रुतबा की ही बात हो रही थी? वो कागजात रुतबा के लिए ही थे? जी बीबी जी, बिल्कुल रुतबा बीबी की ही बात हो रही थी। और छोटे साहब कह रहे थे रुतबा बीबी से शादी के बाद मेहर अली की सारी जायदाद उनकी हो जाएगी। अभी देखती हूँ कैसे करते हैं माँ बेटा ये सब कुछ। चीना धोबर ना कर दिया तो मेरा नाम भी असका नहीं। हाल तमाश कहो। हमारे एक होने के दिन करीब आ रहे हैं। वकील कागजात तैयार करके लेकर आ गया, बस तुम्हारे दस्तखत चाहिए, बाकी कोर्ट के मामलात में खुद संभाल लूंगा। ये सारी बातें बाद में हो तो बेहतर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं रुतबा कि मैंने अपने जज्बात को किस तरह से काबू में रखा हुआ। एक एक लम्हा सदियां बन के गुजर रहा। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे और तुम्हारे जज्बे भी मुंह जोर और बेलगाम। सिर पर सिर्फ तुम्हारे लिए रुतबा। ना प्लीज, ये इंतजार की सूली से जल्दी से उतार दो मुझे। अच्छा बताओ, आप कागजात लेकर आ जाओ। अल्तमश, ये सारी बातें मैं रशीदा खाला के सामने नहीं कह सकती, वो जल्द ही गांव जाने वाले हैं और हम इस बारे में उसके बाद बात करेंगे। हम कहीं मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी मेरा रिश्ता खुर्शीद के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। हम मिलेंगे, पर उसके लिए तुम्हें सब्र करना होगा और इंतजार भी।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा खाला। तो बेटी, तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मैं अकेले कहाँ हूँ? बाबा की यादें इस घर के चप्पे चप्पे के साथ छपी हुई हैं। मैं जाते ही खुर्शीद को कहूंगी सब कुछ छोड़ छड़ा कर आ जाए तुम्हारे पास, संभाले अपने रुतबा को। ख्याल रखे हो ना, बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी बेटा। फोन कर रही हो मुझे? मना किया था ना? तुम वहां बैठ के बांसुरी बजाते रहो,
और तुम्हारी दीदी यहाँ तुम्हारी हैरत का जनाजा निकाल देगी। रुतबा और अल्तमश शादी का फैसला कर चुके हैं, अपने कानों से सुना है सब मैंने। और तो और रुतबा मैडम अपना हक में तक डिसाइड कर चुकी है अल्तमश के साथ। अल्तमश ने सारी प्रॉपर्टी रुतबा के नाम कर दी है, और जानते हो जवाब में अल्तमश को क्या दरकार है? मामू जान की सारी जायदाद जो रुतबा हंसी खुशी उसके नाम करने के लिए तैयार है। दोनों अंधे हो गए हैं खुर्शीद, दोनों का पुराना इश्क आग बन चुका है जिसमें हम सबको जला के वो राख कर देंगे। और तुम इस कहानी के वो काट के उल्लू जो कहीं नहीं आता। अपना किरदार निभाओ खुर्शीद, वो किरदार जो मामू जान तुम्हें सौंप के गए थे। एक लड़की को तुमसे संभाली नहीं जाती, पता नहीं इतना पढ़ लिख के कौन सा कोई तीर चलाया तुमने। चली गई? ठीक है मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो अल्तमश? बाहर मौसम बहुत खराब है। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो तुम मुझे मौसम से डरा रही हो। तो फिर क्या कहूं जो तुम डर जाओगे? किसका नाम लूं जो तुम रुक जाओगे मेरे पास? तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे का वास्ता है मत जाओ। तुम्हारे होने वाले बेटे का खुशखबरी सुना रही हो? सिर्फ खुशखबरी नहीं, इल्तिजा है, गुजारिश है। अपने होने वाले बच्चे को अपने गलत फैसलों की भेंट मत चढ़ाओ। रुतबा हम तीनों के दरमियान कहीं नहीं है, ये याद रखना। बस कब रुतबा मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। लेकिन रुतबा का मेरी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो। वैसे आज नहीं तो कल ही होना ही था। तुम इसे अपने लिए मकाफ़ात अमली समझ लो। वापस आकर इस खुशी को भी सेलिब्रेट करता हूं। ठीक है अल्तमश, लेट्स सेलिब्रेट। समझ क्यों नहीं आती कि ये सब कुछ मैं इतनी जल्दी में क्यों कह रहा हूं?
क्या चाहिए मुझे? मेरे अंदर जो लावा उबल रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं नजर आता? उसकी तपिश तुम्हें क्यों नहीं महसूस होती? जवाब दो मुझे रुतबा, जवाब दो ना मुझे। जी लाल खान बोलिए। अल्तमश, उन्हें अंदर भेज दो। क्या बात है आस्का, कोई काम है? ऐसे सोने जा रहे? जानती हूँ कि आप सो रही हैं। अगर जाग रही होती तो अल्तमश ये सब थोड़ी ना करता। ये आप ही की शहर जिसकी वजह से वो अपनी शान, अपना मान, अपनी दौलत, अपनी इज्जत सब कुछ उस रुतबा पे लुटाना चाहते हैं। उसके सर पे जो रुतबा के इश्क का भूत चढ़ के नाच रहा है ना, उसका जिम्मेदार वो अकेला नहीं, आप भी हैं, खालू भी हैं, मैं, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा, हम सब जाए भाड़ में। आप लोग मामू की जायदाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसके लिए आप लोगों को रुतबा के कदमों में क्यों ना बैठना पड़े। अपनी जबान को लगाम दो, मत भूलो कि मैं अल्तमश की माँ और तुम्हारी सास हूँ। खाला और भांजी का रिश्ता तो तुम्हारी नफरत और बदतमीजी ने गुम ही कर दिया है। जिंदगी का बदतरीन दिन था जब तुम अल्तमश की जिंदगी में आई। साजिशी, मक्कार, नफरत से भरी हुई, बदलिहाज और बदतमीज लड़की क्या खुशी देगी अपने शौहर को और उसके घर वालों को? ना तुम दिल में बसी और ना नजरों में। अब अगर अल्तमश वापस रुतबा की तरफ बढ़ने लगा है तो हैरत किस बात की? किसी को अपनाने से पहले उसका बनकर दिखाना पड़ता है। रुतबा को देख लो, खानदानी लड़की, और उसने साबित किया है इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो कि उसी मोहब्बत और अपनाइयत से मुस्कुरा के मिलती है। और तो तुम्हें हम अपने सर का ताज बनाकर लाए थे कि तुमने एड़ी का कांटा बनना मुनासिब समझा, वो कांटा जो ना खुद चैन से रहते ना रहने देता है। ऐसे में अगर अल्तमश और रुतबा फिर से एक होने जा रहे हैं तो मैं और बाजिल उसकी हिमायत करेंगे, मुखालिफत नहीं। हाँ, मैं ये सब जानती हूँ, इसलिए तो ये भी जानती हूँ कि असल साजिशी तो आप हैं, बल्कि मामू भी हैं, अल्तमश भी है। सिर्फ ये नहीं, आप लोग झूठे भी और लालची भी हैं और इल्जाम दे रहे हैं मेरी मोहब्बत को। एक बात याद रखिएगा खाला, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए ना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अल्तमश के आगे तो मैं सर झुका सकती थी, लेकिन रुतबा के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगी। एक बात याद रखो, रुतबा इस घर की बहू बनेगी, फैसला हो चुका है। जाओ, जा जा के कर लो जो करना।
क्यों आए हो यहाँ जब मैंने तुम्हें बेवक्त आने से मना किया है? तुमसे मिलने की खुशी इतनी थी, मुझसे रहा ही नहीं गया, भागा चला आया। कि क्या है? डॉक्यूमेंट्स। शेखुपुरा की फैक्ट्री के, सैयदपुर की जमीनों के और हमारी हवेली के कागजात, सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया। यही चाहती थी ना तुम? अगर अभी भी कुछ शक बाकी है तो सुबह वकील को बुला के चेक करवा लेना। तुमने तो मुझे खुश कर दिया, अब वाकई लगता है कि तुम मेरा साथ चाहते हो। अप्पा, समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि ये सब कुछ मैं इतनी जल्दी में क्यों कह रहा हूं? क्या चाहिए मुझे? मेरे अंदर जो लावा उबल रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं नजर आता? उसकी तपिश तुम्हें क्यों नहीं महसूस होती? जवाब दो मुझे रुतबा, जवाब दो ना मुझे। तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारी नजरों में वो अपनाइयत क्यों नहीं है? रुतबा, इतना तो जुल्म नहीं करो मुझ पर, थोड़ा सा तरस खाओ। एक बार अपनी मोहब्बत महसूस करने दो मुझे, एक दफा अपनी मोहब्बत महसूस। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? हाँ, वसल की ख्वाहिश बस। इतनी सख्त तो नहीं बनो। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने जो मांगा मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख दिया, इनकार नहीं किया मैंने। कुछ तो मेरा भी सोचो, इतना सा हक तो है मेरा रुतबा। हम मर्द की मोहब्बत होती क्या है? अपना लेना, अपना लेने की ख्वाहिश जल जाने की, जला देने की। मेरी दीवानगी को बुरा भला नहीं कहो रुतबा, एक बार खुद को मेरी नजरों से तो देखो। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मेरा होने में तुम कोई कबाहत महसूस नहीं करोगी। पकड़ लिए और जाओ यहां से, पकड़ो जाओ। मोहब्बत के नाम पर हवस की मुझे कोई जरूरत नहीं। 6 महीने मैं खुर्शीद के साथ उस फ्लैट में रहकर आई हूं। दिन रात हम दोनों ने एक ही छत के नीचे गुजारे हैं। मेहर अली हाउस में अगर वो चाहता तो बाबा की मर्जी के साथ मेरे कमरे में रह सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया।
एक साल से ज्यादा हम दोनों एक जायज रिश्ते में हैं अल्तमश, पर उसने कभी कभी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगाया। उसने मुझे कभी मैली नजर से नहीं देखा, हमेशा हमेशा इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की नजर से देखा। ये होती है मर्दान की। ये होती है खानदानी शराफत। रुतबा, मेरे सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ करने से पहले ये सोच लेना कि तुमने मेरा साथ निभाने का वादा किया हुआ। खास तौर पे उस गरीब और दो टके के इंसान की तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं। जिसकी दस्तरस में तुम जैसा हीरा हो और उसे कदर ही ना हो। वैसे रुतबा, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ भी भूल गया। सच ये नहीं कि खुर्शीद ने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो तुम्हारे करीब आने से नहीं रुका। सच तो ये है कि तुमने उसे हाथ लगाने नहीं दिया। क्योंकि तुम यही समझती हो कि तुम अल्तमश की अमानत थी और अल्तमश की अमानत रहोगी। यही बात है ना रुतबा? यही बात है ना? जवाब दो, जवाब दो ना रुतबा। जवाब दो ना रुतबा। जवाब तो रुतबा। खुर्शीद, को पे यकीन नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था एक लम्हे के लिए। ताज़ियत करने आया था मामू की वफ़ात पर तुमसे। लेकिन अब लगता है खालू से ताज़ियत करनी होगी। तुम्हें बताना होगा कि खालू आप तो जिंदा हैं। भा महर अली मर गई। खुर्शीद, प्लीज मेरी बात सुनो। खुर्शीद,
रुतबा। खुर्शीद, खुर्शीद प्लीज रुको, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। क्या क्या शिकायत से पहले वजाहत नहीं की जाती? हाँ रुतबा, वजाहत तो जरूरी है। इसको बता दो कि हमारे दरमियान कहीं पे नहीं है, इसलिए जिन कदमों पे चल के आए उन कदमों में वापस चला जाए। हमने मुस्तकबिल का फैसला कर चुके। प्लीज बकवास बंद करो अपनी, मुझे खुर्शीद से बात करने दो। बस रुतबा, हमारे दरमियान जितने भी दरवाजे हैं सब बंद हो चुके हैं कभी ना खुलने के लिए। मुझे तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत तो मुझे अपने दिल से। रशीद, मुझे एक मौका दो, मुझे कुछ बोलने तो दो। मरे हुए लोग बोला नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी आखिरी इमानत मिल जाएगी। खुश रहो। चलो ये तो अच्छा हो गया तो हमारे रास्ते का आखिरी कांटा खुद ब खुद ही निकल गया। वैसे सियाने सही कहते हैं, मर्द औरत को ना अपने आखिरी सांस तक समझ नहीं पाता। खैर मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाने के लिए या यहीं तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी तमाम कश्तियां चला दी रुतबा। मैंने अब पीछे मुड़ने की ना तुम्हारे पास कोई गुंजाइश है ना मेरे पास। चलो।